हाँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर टू क्रिया के काल यानी काल परिचय पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस ओके तो पहले देखेंगे काल काल किसे कहते हैं काल किसे कहते हैं और क्रिया के काल क्या कहलाता है पल दिया है एग्जाम्पल उदाहरण पहले उदाहरण को पढ़ेंगे इसके बाद उसकी मीनिंग्स परिभाषा डेफिनेशन आदि तो आइए देखिए पहले उदाहरण में दिया है उदाहरण में दिया है कि तनु स्कूल जाती है तनु स्कूल जाती है और दूसरे में दिया है तनु स्कूल गई तनु स्कूल जाएगी तो ये तीनों वाक्यों में किसी समय का बोध हो रहा है स्कूल जाने की क्रिया है वह समय का बोध करा रहा है जाती है गई और जाएगी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पहले जो वाक्य में तनु स्कूल जाती है यानी वह सामान्य रूप से जाती रहती है तनु स्कूल गई तनी स्कूल गई यानी भूत का और तनु स्कूल जाएगी यानी भविष्य फ्यूचर फ्यूचर की बात आ रही है यहाँ और उसमें पास्ट की आ रही है और वो क्या है समान तो इन वाक्यों से एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध होता है अतः ये तीनों शब्द काल है यानी तीनों शब्द क्या हैं समय है ठीक जैसे क्रिया के जिन रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं अब काल किसे कहते हैं क्रिया के समय क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं यानी समय कहते हैं अब पढ़ेंगे ah. काल के मुख्य तीन भेद होते हैं काल कित काल के कितने भेद होते हैं तीन वर्तमान काल भूतकाल काल। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल वर्तमान काल के भी भेद होते हैं तीन वर्तमान काल के होते हैं तीन भूतकाल के होते हैं और भविष्य काल के एक भेद है, सामान्य तो पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल वर्तमान काल परजेंटेंस परिभाषा है जो क्रिया समय जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं क्लियर हुआ वर्तमान समय में जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम में जो कार्य होने क्रिया होने का सूचित हो, कर रहा है वह क्या काल आएगा वर्तमान काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल सिंपल टेंस के उदाहरण आप लोग देखिए दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है तो इससे क्या है मतलब होता है होती है होते हैं जाती है सामान्य सामान्य काल की, वर्तमान काल का यह एग्जाम्पल है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती है सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा आप लोग लिखो जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता, ती, ते, यानी ता है ती है ती है तथा ते है का प्रयोग होता है एक एक ट्रिक है कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता ती ते का प्रयोग किया जाता है तो वह ठीक अब देखेंगे सेकंड पर है अपूर्ण वर्तमान काल परजेंट कंटिन्यू ट्रेंस उदाहरण है आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं हो रहा है माँ बेटे को बुला रही है जीवन निर्वाह के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं आप वर्तमान काल अपूर्व वर्तमान काल किसे कहते हैं अपूर्व वर्तमान काल जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है उसे अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूवर्स टेंस कहते हैं जो क्रिया क्या जारी है वर्तमान समय में ही अभी स्टार्ट हुई है पूरी नहीं हुई है उसे अपूर्व वर्तमान का कहते हैं इस ऐसे भी आप एक ट्रिक है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं का प्रयोग होता है वह अपूर्व वर्तमान काल कहलाता है जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा ही आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं हो रहा हो रहा है देखो रहा है आ रहा है ना माँ बेटे को बुला रही है रही है जीवन निर्वाह के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं देखो रहे हैं रहा है रही है रहे हैं है, और रहे हैं भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं यानी इस पर स्पष्ट हो रहा है कि अभी कार्य क्या है पूर्ण नहीं हुआ है जारी है चल रहा है वो भी किस समय में पास्ट में फ्यूचर में नहीं वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में वह कार्य चल रहा है ठीक अब हम देखेंगे आगे पूर्ण वर्तमान काल थर्ड पर है पूर्ण वर्तमान काल उदाहरण देखिए इसका गाय ने दूध पीना बंद कर दिया है सेकंड पर है जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है थर्ड है पानी ने काट काट कर पत्थरों में छेद कर रहे हैं कर दिए हैं उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई है देखो ये है आपका पूर्व वर्तमान काल का एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब देखेंगे कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अभी अभी वर्तमान समय में ही पूर्ण हुई है अभी वर्तमान समय में पूर्व यदि कंप्लीट हो चुका वो भी किस में प्रेजेंट टाइम में ही तो वह क्या कहलाएगा पूर्व वर्तमान काल ठीक जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है गाय ने दूध देना बंद कर दिया कर दिया है यानी अभी क्या हुआ गाय दूध देना बंद कर दिया है जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है भरी हुई है इसमें ये नहीं भर रही है या भरेगी ऐसा नहीं है भर भरी हुई है यानी वो पूर्ण हो चुकी है जैसे एक और भी एग्जाम्पल है राधा ने खाना बना लिया है तो खाना अभी बन नहीं रहा है कंप्लीट हो चुका है बन करके खाना पक गया है और भी है श्याम ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ये आपका पूर्व वर्तमान काल का यानी कहने का मतलब है कि पूर्व वर्तमान काल का जो एग्जाम्पल है पूर्व वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो जाता है वो भी प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है अधूरा नहीं रहता है तो वह जो है वर्तमान का पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है इसकी परिभाषा आप लोग लिख लो जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और एग्जाम्पल है जिस वाक्य के अंत में आ है ई है ए है ए है का प्रयोग होता है वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है जिस देखिए यहां दिया है सूचना पूर्व वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है ई है, है ए है का प्रयोग होता है ओके अब देखिए भूतकाल यानी पास्ट टेंस इसकी परिभाषा है जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं भूतकाल किसे कहते हैं जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित सुच, करती है यानी जो बीत चुका है पास्ट के समय में होने का सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं भूतकाल के तीन भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस जैसे आप अभी अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ कि वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं यानी सामान्य वर्तमान काल अपूर्व वर्तमान काल और पूर्व वर्तमान काल ऐसे ही भूतकाल के यानी पास्ट टेंस के भी तीन भेद हैं। तीन में पहला सामान्य भूतकाल है दूसरा जो है अपूर्ण भूतकाल है और तीसरा पूर्ण भूतकाल है तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए मछली भाभी का मुंह लटक गया लक्ष्मी के शरीर में एक शहरन सी दौड़ गई बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए काकी घटना स्थल पर आ पहुंची सामान्य भूतकाल की बात है जैसे जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं परिभाषा है आप लोग लिख लीजिए उपर्युक्त तो रेख वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में होना सूचित करती है तथा ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती हैं। जैसे देखिए ये जो है मजली भाभी का मुंह लटक गया ये बीते हुए समय का यानी समय सामान्य अवस्था का यह बोध करा रही है क्या हुआ लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई देखिए ये भी वही है सामान्य अवस्था में हो रही है बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए और काकी घटना स्थल पर आ पहुंचे जैसे राम होमवर्क कर लिया, कर लिया। ये बीते भी, हुए समय में ही वो क्या किया सामान्य रूप से कर लिया है वह किसका है एग्जाम्पल सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस आप एक और तरीका ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस वाक्य के अंत में आ ई -ए, ए आता है तो वह सामान्य भूतकाल क्रिया कहलाते जैसे देखिए इसमें यह आया है लास्ट में क्रिया के अंत में ई आई आया है ना ई आई है यहाँ गए आया है और यहाँ ई देखिए, ये सब क्या है सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है अब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल पास्ट कॉन्टिन्यूवर्स टेंस एग्जाम्पल है प्याज से स्वयं कंठ सूख रहा था सामने से एक कार आ रही थी कविता सुडांकन वे मुझे देख रहे थे उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे देखिए अब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं किसका है अपूर्ण भूतकाल का यानी पास्ट कॉन्टीन्यूवस टेंस का इसमें क्या हो रहा है अभी कार्य कंप्लीट बीते हुए समय में कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है यानी हो रहा है वो भी किस समय में किस काल में बीते हुए भूतकाल में तो यहाँ देखिए सूख रहा था रही थी रहे थे और रहे थे तो इसमें क्या है जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे और रहे थे आता है तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है जैसे एग्जाम्पल सामने है प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था सामने से एक कार आ रही थी कविता सुनाकर वे बहुत देख मुझे देख रहे थे उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे देखिए सब में आया है थे था थी थे रही थे रहा थे रहे थे एक किस काल में एक किस काल की एग्जाम्पल है अपूर्ण भूतकाल तो ऐसे भी आप लिख सकते हो आ, समझने के लिए है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है नहीं सॉरी रहा था रही थी रहे थे और रहे थे का प्रयोग होता है तो वह भूत भूतकाल कहलाता है अपरिभाषा लिख लीजिए क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई अपितु जारी रही उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो राधा खाना बना रही थी श्याम लिख रहा था टीचर पढ़ा रही थी ये सब एग्जाम्पल किसके हैं अपूर्ण भूतकाल के हैं ओके अब देखना है पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल है सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी रात काफी निकल चुकी थी घर बन चुका था देखिए दिया था हुई थी चुकी थी चुका था क्या कहीं एक क्या एक सूचित कर रहा है यह कार्य क्या हुआ है बीते समय में पूर्ण हो चुका है जिसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं जैसे दिया है परिभाषा है इसकी क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है अतः उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं बीते समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं बीते समय में अभी कार्य अपूर्ण अवस्था में है चल रहा है वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है और बीते हुए समय में जो कार्य सामान्य रूप से चलता है वह सामान्य भूतकाल कहलाता है जैसे यह सूचना के लिए है कि पूर्ण भूतकाल के में क्रिया के अंत में आ था ई थी, ई थी ए थे का प्रयोग होता है जैसे जिस वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी हुई थी हुआ था का प्रयोग होता है वह पूर्व भूतकाल कहलाता का है आप लोगों के लिए ट्रिक है जैसे राधा खाना बना चुकी थी श्याम पढ़ाई कर चुका था राधा स्कूल जा चुकी थी लता बाजार से आ चुकी थी ये सब पूर्ण भूतकाल की एग्जाम्पल है भविष्यकाल अब देखिए तीसरा है भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात तो भविष्य में होना सूचित होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं क्रिया का मतलब जो कार्य कर रहे हैं क्रिया करने की जो क्रिया है वह किस समय में हो रहा है वह किस समय का बोध करा रहा है किस समय का बोध करा रहा है भविष्य समय का तो भविष्य का जो बोध करा रहा है सूचित कर रहा है वह भविष्य काल काल आएगा जैसे इसमें एक ही दिया है सामान्य भविष्य का सिंपल फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल है मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगी देश में आर्थिक क्रांति होने से देर नहीं लगेगी हम दर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे ये देखिए चार एग्जाम्पल हैं इसमें जो है किसका प्रयोग हुआ है ये किसका किस समय का सूचित कर रहे हैं फ्यूचर का फ्यूचर सामान्य भविष्य काल सिंपल फ्यूचर का ये जो है सूचित कर रहे हैं कि ये क्रिया किस समय में हो रही है खाने की क्रिया किस समय में हो रही है जाने की क्रिया किस समय में हो रही है ये सब है तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होना उसका होना सूचित होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं सूचना है सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में एगा एगी एंगी तथा एंगे का प्रयोग होता है जैसे आप लोग यहाँ देखिए गा गी गे गे का प्रयोग हुआ है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है जैसे कि एग्जाम्पल में खुद ही सामने दिया है और भी एग्जाम्पल है कि राधा कल बाजार जाएगी देखो गी आ रहा है ना श्याम पढ़ाई कल पढ़ाई करेगा या श्याम पढ़ाई करेगा राधा स्कूल जाएगी रानी पानी लाएगी ये सब एग्जाम्पल भविष्य काल के हैं ठीक आया समझ में तो मैं आप लोगों को अब जो है होमवर्क दे रही हूँ होमवर्क कंप्लीट करना देखिए निम्नलिखित तो वाक्य कोष्टक में निम्नलिखित वाक्य कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके फिर से लिखो वह रमजान की बात पर विचार करता है अपूर्ण भूतकाल में बनाना है इसको मैं घर छोड़कर कहीं नहीं कहीं चली जाती हूँ इसको सामान्य भविष्य काल में बनाना है आंखों में आंसू उतर आए सामान्य भूतकाल में इसको बनाना है और इधर है आपका एक्सीडेंट हो जाएगा पूर्ण भूतकाल में ही इसको करना है आराम मरीज की खास जरूरत हुई सामान्य वर्तमान काल में किसकी आर आम मरीज की खास ज़रूरत हुई ये पाँच मैं दे रही हूँ आप लोग लिख करके के सेंड करना ओके थैंक्स